हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ और आज हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। तो अभी हम लोग हैं दार्जिलिंग के रास्ते में और हमारी सफ़र शुरू हो गई है और ये आप लोग देख सकते हो रास्ते का व्यू बहुत ही सुंदर है और बारिश हो रही है इधर अभी दार्जिलिंग में, तो पूरा सड़क भींगा हुआ है और बहुत अच्छी व्यू है, मैं क्या बताऊँ आपको। हम लोग भींग भींग के जा रहे हैं और मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा फॉग है, रोड पे सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो गाइज़ मोबाइल भी मेरी डिस्चार्ज हो गई है तो मैं होटल पहुँच के आगे की व्लॉग शूट करती हूँ। गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो कहाँ चले गए हम लोग? ओके, तो फिर बने रहिए आप लोग वीडियो में, आज आप लोगों को हम लोग पूरा दार्जिलिंग घुमाएंगे। गाइज हम लोग होटल से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो अभी सबसे पहले तो भूख लगी है तो कुछ खाएंगे पिएंगे, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। हम लोग कोई अच्छी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ की अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिल जाए और अब मैं खा रही हूँ छोले भटूरे, मेरा फेवरेट और बहुत टेस्टी है छोले भटूरे। ओके, तो फाइनली हमारा नाश्ता हो गया है और अब हम लोग निकल रहे हैं, तो अब हम लोग जाएंगे टी गार्डन, दार्जिलिंग का फेमस टी गार्डन और वहाँ की व्यू बहुत सुंदर है। और आ गए हम लोग टी गार्डन, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फॉग है। ओके, तो गाइज हम लोगों ने टी गार्डन में बहुत इन्जॉय किया, रील्स बनाई, पिक्चर्स लिए और अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक पार्क है जिसका नाम है बतासिया लूप, बहुत अच्छी जगह है वो भी, तो चलिए चलते हैं अब। और तब तक आप लोग रास्ते का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। गाइज हम लोग पार्क पहुंच चुके हैं और यही है वो पार्क जिसका कि नाम है बतासिया लूप और बहुत सुंदर जगह है ये, और यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए, रील बनवाई, जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। ओके, और अब हम लोगों को भूख लग गई है तो कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोमोज खाया एंड नूडल्स खाई। गाइज हम लोग उस पार्क से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाना है। और ये देखिए आप लोग कितना सुंदर व्यू है, मतलब दार्जिलिंग आने में ना सबसे ज़्यादा मज़ा रास्ते में ही है, दार्जिलिंग में आके तो कुछ है ही नहीं, जो मज़ा है सब रास्ते में है। ओके, तो गाइज हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग जा रहे हैं कुरसोंग और उधर से हम लोग सिलीगुड़ी निकलेंगे, तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और बहुत ज़्यादा फॉग है इधर, बहुत ठंड है।
कितना फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा रोड पे। गाइस रोड में बहुत ज़्यादा ढलान है तो गाड़ी हम लोग बंद करके चला रहे हैं, मतलब गाड़ी खुद ही चल रही है, कुछ करना ही नहीं है, बस हैंडल संभाल। और ऐसा नहीं है कि स्लो है, बहुत फास्ट है। अगस्त के महीने में दिसंबर जैसी ठंडी। ओके तो हम लोग फाइनली कुरसोंग पहुंच चुके हैं और यहाँ भी हम लोगों ने फोटो शूट किया। ओके तो फाइनली गाइज हम लोग कुरसोंग से निकल चुके हैं और बहुत नीचे आ गए हम लोग, तो मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। ओके गाइज तो घूमना फिरना हमारा हो चुका है और अब हम लोग पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी और यहाँ पे हम लोग अनानास खाएंगे। तो थैंक यू आप लोगों को ब्लॉग में बने रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।